Here we go. Hey दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल हमिंग ओड्स। सो सिंपली आपको बताएगा फिल्म मेकिंग, वीडियो प्रोडक्शंस और म्यूजिक प्रोडक्शंस के कुछ बेहतरीन टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, जिसे यूज करके आप अपने म्यूजिक और वीडियो प्रोडक्शंस कर सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बरसात फिल्म का जो गाना है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, ये गाना का मैंने प्रीलूड, इसे मैंने दो पार्ट में बताया था। फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, आज मैं ये थर्ड पार्ट बना रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको वायलिन का पीस बताया था, सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया था गिटार का एक पीस और एक स्ट्रिंग्स का पीस है। तो इतना बजाने के बाद आपका प्रीलूड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम गाना का जो पहला स्टांजा है, जिसे हम मुखड़ा कहते हैं, वो आज आपको इसमें बजा के मैं बताऊंगा। और आपसे मैं हरदम बोलता हूं कि जो भी नोटेशंस मैं मुंह में बोल रहा हूं, उसे अच्छी तरह सुनिए, याद रखिए और हो सके तो अपने किसी पेन पेपर या कॉपी में लिख लीजिए। तो आज का जो ये नोटेशन होगा, वही स्केल वही रहेंगे। तो ये मुखड़ा का जो नोटेशन है, म म म स म प ध नि स नी नी प ध नी नी ध प म, ये हो गया आपका मुखड़ा का पहला लाइन। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, ये पर्टिकुलर जो लाइन है ये चार बार बजा है मुखड़ा में, ठीक है। लेकिन थर्ड लाइन में एक छोटा सा वेरिएशन है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के इस वीडियो में। तो ये जो नोटेशन है इसमें है म स, ये जो म है स है, ये मध्य सप्तक में लगा है। प ध नी ध नी कोमल ध कोमल नी लगा है, सा तारा सप्तक का लगा है, ठीक है। तो चलिए ये जो नोटेशन मैंने अभी आपको बताया, ये कैसे करके इसमें बजाएंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसका जो थर्ड लाइन जो वही रिपीटेशन बजेगा, इसमें एक छोटा सा खाली चेंज है, स नी ध स एक लिंक नोट खाली लगा है, मतलब एक गाने का वेरिएशन है ये। जैसे हो गया आया समझ में, म म म स म प ध नि स नि ध स, गाने का मीटर वही रहेगा, आगे नहीं जाएगा कि पीछे नहीं जाएगा, लेकिन उसी के अंदर आपको ये तीन नोट बजाना है थर्ड लाइन में। फोर्थ लाइन वही सेम चीज रिपीट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो फर्स्ट स्टांजा, गाने का जो फर्स्ट स्टांजा, जो इसे मुखड़ा कहते हैं, इसका टोटल नोटेशन और कैसे करके आप इसे प्ले करेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद वाला एक गिटार का छोटा सा पीस है, वही सेम चीज मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था, स नि प ध नि ध प म ग ग म म, वही सेम जो आपको प्रीलूड में एक छोटा सा पार्ट गिटार का पीस बजा था, वही सेम गिटार का पीस इसमें भी बजेगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि वो गिटार का पीस कैसे बजेगा, एक और एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ।
समझ में। तो अभी आपको मैंने बताया फर्स्ट स्टंजा गाने का और उसका बीच का जो म्यूज़िक जिसे हम इंटरलूड कहते हैं। आपको पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, गाने का सेक्शन समझने का कोशिश कीजिए। गाने से जो पहले म्यूज़िक बजता है उसे हम प्रीलूड कहते हैं। गाना का स्टंजा के बीच में जो म्यूज़िक बजता है उसे हम इंटरलूड कहते हैं। तो अभी जो गिटार पीस वही सेम चीज़ रिपीट हुआ उसी को हम अभी इंटरलूड कहेंगे, लेकिन जब वो गाने से पहले बज रहा था तो उसे हम प्रीलूड कह रहे थे। ठीक है, इतना याद रखिए। तो चलिए मैं आपको एक बार प्लेनली इसे बजा के दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसा बजेगा, उसके बाद उसे रिदम में एक बार आपको बजा के दिखा दूँगा। चलिए देखा आपने कि कैसे करके मैंने वो चार लाइन बजाया और उसके साथ वो गिटार का पीस को इंटरलूड में कैसे करके मैंने लिंक किया। अभी चलिए मैं आपको रिदम में एक बार इसे बजा के सुना देता हूँ। तो अभी आपने देखा रिदम में ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे बजेगा। हम ये पार्ट 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 करके सीखेंगे और एंड में इस सारे पार्ट को मिला के कैसे करके एग्जीक्यूट किया जाएगा और भी बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निकल डिटेल्स हैं, कीबोर्ड में कैसा कैसा थोड़ा बहुत सेटिंग करेंगे, ये सब मैं आपको आगे का वीडियो में बताऊँगा। तो आगे का वीडियो देखने के लिए आप रेडी रहिए और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन जाए। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन मिल नहीं रहा है हमको। वही मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब के ऊपर भी R&D किया कि नोटिफिकेशंस यूज़र के पास पहुंच कैसे नहीं रहे हैं। तो उसमें से कुछ देखने के बाद मुझे पता चला कि कुछ यूज़र ने खाली सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल बटन दबाया नहीं है। कुछ लोगों ने बेल बटन भी दबाया है लेकिन ऑल जो ऑल नोटिफिकेशन रहता है वो नहीं किया है। तो ऐसा कुछ चक्कर के चलते सबको नोटिफिकेशंस या मैसेज नहीं पहुंच रहे थे, इसीलिए मैं ये आपको बोलता हूं कि जब भी आप सब्सक्राइब कर रहे हो आगे का वीडियो देखने के लिए तब आप ये बेल बटन भी दबाइए और नोटिफिकेशन में ऑल कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया का सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपका कुछ सुझाव या सॉल्यूशन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। कुछ भी डाउट्स है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं पूरा पूरा कोशिश करूँगा आपका डाउट्स सॉर्ट आउट करने के लिए।
टिल देन दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ। कीप क्लिकिंग, कीप इंस्पायरिंग। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।